हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, अगर आपके पास ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और वो ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आप कुछ इस प्रकार पासवर्ड लॉक लगा के या पैटर्न लॉक या पिन लॉक लगा के जब आप अपने पासवर्ड पैटर्न पिन को फ्रेंड भूल जाते हो तो आपका फ़ोन कुछ इस प्रकार लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक करना है, वो भी बिना सर्विस सेंटर गए हुए और बिना डाटा को डिलीट किए हुए। तो आइए फ्रेंड, मैं बिना टाइम लिए हुए इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप भी मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड, ताकि ऐसा मोबाइल से अनलॉकिंग वीडियो मैं बनाता रहूँ और वो डायरेक्ट आपके पास पहुँचता रहे। तो फ्रेंड, सबसे पहला वर्क आपको क्या करना है, अपनी स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीप अप करना है। जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीप अप करोगे तो नीचे यहाँ पे जीरो के नीचे आपको यहाँ पे इमरजेंसी कॉल दिखेगा। इस इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कर देना है। जब आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करोगे तो ठीक एकदम नीचे देखोगे कि न्यू डायलेट खुला है, आपको बड़ा सा दिखेगा। तो इस न्यू डायलेट में आपको *#899# पर क्लिक कर देना है। *#899# पे आपको क्लिक करना है। आप देखोगे कि आपके सामने एक नया पेज खुला है, जिस पेज का नाम यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, इंजीनियर मोड। तो इस पेज में बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है फ्रेंड। आप वही वर्क करोगे जो वर्क मैं करूँगा, क्योंकि उस वर्क के मुताबिक आपका डाटा भी सेफ रहेगा और आपका फ़ोन भी अनलॉक हो चुका होगा फ्रेंड। तो सबसे पहले आपको मैनुअल टेस्ट पर क्लिक करना है, चौथा नंबर ऑप्शन पर। फर्स्ट पे छोड़ देना है फ्रेंड। मैनुअल टेस्ट पे क्लिक करने के बाद सेकंड पेज पे आना है डिवाइस डबिंग, जिसका नाम है डिवाइस डबिंग। डिवाइस डबिंग पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपना सेंसर चेक करना है कि आपका सेंसर सही है या गलत, ऑफ है या ऑन। तो यहाँ पे जी सेंसर पे क्लिक करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हो कि इसका जी सेंसर एकदम एक्टिव है। अगर डीएक्टिव रहता तो ये रनिंग नहीं करता है। जी सेंसर का जो तीनों एंगल एक्स वाई जेड, ये तीनों को रनिंग करने दीजिएगा फ्रेंड। 10 सेकंड या 20 सेकंड तक इसको रनिंग करने दीजिएगा और जब तक आपको लगे कि 10 सेकंड 20 सेकंड हो गया हो तो इसको हटा लीजिएगा। मेरे अनुसार अब 10 सेकंड हो गया, अब हम इसको बैक कर लेंगे। ये रनिंग करेगा और ये एक्टिव रहेगा फ्रेंड, तो आपका फ़ोन का जो FRP कोड होता है ना फ्रेंड, वो जल्दी से टूटता है। और जब FRP कोड टूटेगा तो आपका फ़ोन जल्दी से अनलॉक होगा। इस पेज में एक वर्क और मेरा बाकी है जो मैं लास्ट में करूँगा। अब चले आते हैं सबसे लास्ट पेज पे, जिसका नाम है अदर्स। अदर्स पे आने के बाद रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑप्शन पे, इस पे क्लिक करना है। फर्स्ट बार में इसको कैंसिल करना है और सेकेंड बार में इसको कंफर्म करके ओके कर देना है। अगर यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड आपके भी स्क्रीन में शो करे तो समझ जाना कि रॉन्ग पासवर्ड रिसेट होना शुरू हो चुका है। तीसरा नंबर ऑप्शन है लॉक का स्टेटस, बोले तो की स्टेटस। की स्टेटस पे हम चेक करेंगे कि यहाँ मेरा जितना भी लॉक है वो सब पास है या फेल है। अगर आपका लॉक टूटा होगा तो पास रहेगा, अगर नहीं टूटा होगा तो फेल रहेगा। आइए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड कि जितना भी लॉक का हमारा की स्टेटस है वो सब पास 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 है। तो इसको बैक कर लीजिएगा और रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर पे क्लिक करके चेक कीजिएगा कि यहाँ भी पास है या फेल। तो आइए फ्रेंड हम देखते हैं, और रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर हमारा पास का सिग्नल दे चुका है। तो अब मैंने आपको बोला था कि मेरा इस पेज में डिवाइस डबिंग में एक वर्क मेरा और बाकी है, जो कि है यहाँ पे सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन। आप देख सकते हो चार्ज टेस्ट के नीचे, इस पर हम क्लिक करेंगे। आपको दो ऑप्शन दिख रहा है। यदि आपके ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में 3 रहे 4 रहे 5 रहे, सबको क्लिक करके स्टार्ट कर दीजिएगा और एक भी पास हो जाए तो तुरंत होम बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपका ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक मिलेगा। मैं ये दोनों को स्टार्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं कि ऊपर का फेल हो चुका है और नीचे का पास हो चुका है। ऊपर का फेल है फ्रेंड, नीचे का पास है। तो होम बटन पर तुरंत क्लिक कीजिएगा। और जी हाँ फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन ठीक इसी प्रकार आपका भी मोबाइल अनलॉक मिलेगा और इसका डाटा आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, इसका डाटा भी सेफ है। यदि आप अभी सर्विस सेंटर गए होते पैसा लगता, समय लगता और ये डाटा भी लग जाता। तो आई होप फ्रेंड कि मैंने आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट कराया है। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा मोबाइल से अनलॉकिंग वीडियो मैं बनाता रहूँ और वो डायरेक्ट आपके पास पहुँचता रहे फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।